हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे देते हैं एक्सक्लूसिवली आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते के आज रात के एपिसोड की। तो शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सम्राट नित्या से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ नयन के सिचुएशन को समझो, वो इजी नहीं था उसकी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का, वो भी तब जब उसे पता है कि उसने अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला है। नित्या सम्राट से कहती है ये सही गलत के बारे में नहीं है, ये है भरोसे के बारे में, मैंने यहाँ पर इसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था। तभी वो सम्राट से कहती है मैंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था तुमसे, बस नयन का फ्रेंड एक्सपेक्ट किया था। 20 साल हो गए हैं, 20 साल से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुमने 20 साल में मुझे बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। नित्या नयनतारा से कहती है अब झूठ मत बोलो, मुझसे कुछ मत छुपाओ, प्लीज़ हमारी दोस्ती की खातिर अब कुछ मत झूठ बोलना, और वो वहाँ से चली जाती है। सम्राट या नयनतारा से कहता है कि ये जो सच है वो कभी भी झूठ के पर्दों के पीछे नहीं छुपता, जो सच की रोशनी है वो एक ना एक दिन दूसरे को देखी जाती है। तभी वो नयनतारा से कहता है कि अब हमें सबके सामने एक बार क्लीन तरीके से आ जाना चाहिए, एक बार महिमा की शादी हो जाए अर्जुन के साथ तो उसके बाद हम अपनी लाइफ दोबारा लंदन में स्टार्ट करेंगे। तभी नयनतारा सम्राट के डिसीजन को मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ये मेरी फैमिली का टेस्टिंग टाइम है, इसीलिए मैं उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। नयनतारा सम्राट से कहती है महिमा हो सकता है मेरी बायोलॉजिकल बेटी ना हो, लेकिन हमेशा मैंने उसे अपनी बेटी के जैसा ही ट्रीट किया है, मेरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और नयनतारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होती है, सम्राट से कहती है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक बार फिर से चमक उठा है हमारे दोबारा मिलने से, लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुम चले जाओ। नयनतारा सम्राट से कहती है कि काश वी हमारे साथ नहीं आएगी और मैं उसका दिल टुकड़ों में नहीं तोड़ सकती। तभी यहाँ पर हर कोई इंसिस्ट करता है नित्या को डांस के लिए, नित्या कहती है नयन तुम भी आओ ना संगीत परफॉर्मेंस के लिए, माँ जी इंसिस्ट करती है नयन को डांस कॉम्पिटिशन के लिए और नित्या, और यहाँ पर हर कोई उनकी परफॉर्मेंस से अमेज हो जाता है। नयन और नित्या बहुत तारीफ मिलती है उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए। नयन तभी यहाँ पर अपना बैलेंस खो देती है और अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। मीनवाइल महिमा अपने आप को देखती है कि वो वेडिंग सेरेमनी में फंस चुकी है और इसलिए वो कॉल करना चाहती है प्रद्युम्न को। महिमा तभी थोड़ा सा मौका देखकर बाहर जाती है और प्रद्युम्न को कॉल करती है, तभी रोमिला उसको फॉलो करती है। माँ जी देखती हैं कि महिमा यहाँ पर नहीं है, तभी वो उसको देखने के लिए जाती हैं। इधर मीनवाइल महिमा रोमिला का फ़ोन ले लेती है और प्रद्युम्न को कॉल करती है और कहती है कि मुझे शादी से बचाओ। प्रद्युम्न इन्फॉर्म करता है महिमा को कि सम्राट ने मुझे रूम में लॉक कर दिया है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। महिमा कहती है प्रद्युम्न से कि बस अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम में अगर दम है तो रूम से बाहर निकलो और मुझे शादी से भगा करके ले जाओ, अदरवाइज़ हमारी जो ये लव स्टोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रद्युम्न यहाँ पर बहुत अपसेट होता है, वो महिमा से कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, वैसे भी अब मेरे दिल में सम्राट के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है, इसलिए मुझे अपनी लाइफ नई तरीके से स्टार्ट करनी है। तभी माँ जी रोमिला को देखती हैं साथ में खड़ी है महिमा के, और महिमा अलर्ट करती है, यहाँ पर रोमिला अलर्ट करती है महिमा को कि माँ जी आ रही हैं। माँ जी तभी इन दोनों को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम मुझे डबल क्रॉस कर रही हो ना।